नमस्कार सभी को। आशा करती हूँ कि सभी देशवासी स्वस्थ होंगे और मुझे विश्वास है मेरा देश जरूर इस कोरोना काल से लड़ेगा, जूझेगा और जीतेगा। कल मैं अपने बेटे से बात कर रही थी, बोला मम्मा ये मुंह आपका सारा लाल लाल कैसे हो गया। तो मैं उसको एक स्टोरी सुना रही थी कि बेटा एक व्यापारी का लड़का व्यापारी से बोला कि पापा ये गेहूं लाल कैसे होती है। तो व्यापारी काफ़ी देर तक सोचता रहा और उसने हंस के जवाब दिया, कहा बेटा ये किसान का खून चूस के लाल होती है। तो मैं सभी देशवासियों को बताना चाहती हूँ, ये पहाड़ देखने में जितने एक दो दिन सुंदर होते हैं, ये उतने ही डिफ़िकल्ट भी होते हैं। इतनी आसानी से ऊपर तक तिरंगा नहीं ले जाया जा सकता, बहुत मुश्किल और शरीर को तपा करके, बहुत सारी चुनौतियों का सामना करके, बहुत सारे विपरीत हालातों से लड़के वहाँ तक पहुँचा जाता है। तो मैं अपने बेटे को ये बता रही थी, मुझे विश्वास है एक अटैम्प्ट में मौसम ख़राब हो गया और दूसरा अटैम्प्ट में मैं कामयाब रहूँगी, ज़रूर मैं कोशिश रहेगी, मेरी वेदर ने साथ दिया, स्वास्थ्य ने साथ दिया, तो मैं अपने देश को एक नई उपलब्धि और देने में कामयाब रहूँगी। जय हिंद, जय भारत।